हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जीरो ऑयल किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च, बेसन की हरी मिर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पेन गरम कर लेता हूँ और इसमें ऐड करेंगे हम प्रियंका जी स्पून लेना। दो से तीन स्पून, चार स्पून ले लेते हैं हम, दो जनों का बना रहे हैं। दो स्पून हो गए, तीन और ये चार, चार बड़े स्पून हम लेंगे बेसन पिसा हुआ और उसको हम धीमी आंच पर सेकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमने इसको धीमी आंच पे करी दिया है ऑलरेडी। अब इसको जब तक चलाते रहें, जब जब तक इसका कलर सुनहरी ना हो जाए और अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू, जब बेसन सिक जाएगा अच्छे से तो आपको स्मेल अच्छी आने लग जाएगी, इससे पता पड़ जाएगा। और थोड़ा सा इसका जो कलर है येलोइस हो जाएगा, यानी सुनहरे कलर का हो जाएगा। तो मैं इसको चलाता हूँ, 2 से 5 मिनट लगेंगे इसको लगातार। अपना बेसन सिकने वाला है, सिक चुका है करीब करीब। मेरे को बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सिके हुए बेसन की। आप देख भी पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया है, येलो से थोड़ा ब्राउन यानी सुनहरी कलर होता जा रहा है। और ये हमारा बेसन सिक के तैयार हो गया है। अभी से एक बाउल में अपन खाली कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपन ने ये बाउल में ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच, छोटा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच से भी आधा जीरा ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक, नमक आधा चम्मच लेंगे क्योंकि बेसन कम है, उसी हिसाब से अपने को लेना है। और मसाले भी डाल सकते हैं क्योंकि जो ये मिर्च है ये थोड़ी फीकी होती है, तो अभी अपने को थोड़ा तीखा यूज़ लेना है। तो हम इसमें थोड़ी हल्दी, बस आधे से भी आधा चम्मच, धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा खट्टा स्वाद देना चाहो तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। मैं नींबू ना डाल के थोड़ी कटी हुई इमली इसमें डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। अब इसमें पानी डाल के हम इसको आटा गूंद लेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें हींग डालेंगे ताकि टेस्ट और अच्छा हो जाए। दोस्तों, मैं इसमें पानी डाल के इसका आटा गूंद लूँगा। जैसे अपन आटा लगाते हैं खाना बना चपाती बनाने के लिए, वैसे इसका आटा गूंदना है अपने को अच्छे से, इसको मिक्सअप करना है। तो मैं इसको मिक्सअप कर लेता हूँ अच्छे से। हमारा ये बेसन का मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही लगा के
रख देंगे ताकि इसका पानी का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाए। जो भी अपन ने इसमें मसाले डाले उनका जो फ्लेवर अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए, तो हम 10 से 15 मिनट इसको बना के ऐसा छोड़ देंगे। दोस्तों हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, आप देख लीजिए इसकी थिकनेस ऐसी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा ढीला, ताकि मिर्ची के अंदर इसको आसानी से स्टफिंग की जा सके स्मूथली। और मैं आपके सामने इसको भर के दिखाता हूँ। इसको ऐसे फिल करेंगे, दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप खाना बनाएं तो किचन में आप हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, करीब 20 से 30 मिनट मिनिमम, सॉरी 20 से 30 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड तो ये मान के चलिए आपको धोना ही है, अच्छे से रब करना है, ताकि आपके हाथों में किसी भी तरह के बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह हो तो वो क्लीन हो जाए। तो हमने इसकी स्टफिंग कर दी है, देखिए हम देख सकते हैं, कहीं चम्मच नहीं जाता तो हाथों का भी उपयोग ले सकते हैं अपन। मैं हाथ की उंगली से इसको, फिंगर से इसमें पूरा इसको भर रहा हूँ। ऐसे ही अपन सारी मिर्ची को ऐसे, देखिए ये भर गई है, सारी मिर्ची को ऐसे ही भर लेंगे अपन और भी। दोस्तों ऐसे हमने ऐसे मिर्ची का स्टफिंग कर लिया है, अब हम इनको पकाएंगे धीमी आंच में। वापस से मैंने पेन चढ़ा दिया है और इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा जीरा और थोड़ी सी, थोड़ी मतलब 1/4 चम्मच सौंफ। अब ये रोस्ट हो जाएगी, इसको अच्छे से चलाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमारा जीरा और सौंफ रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और उसके बाद हम मिर्च को इसमें जमा देंगे। और जो पानी जो अपन ने घोल बनाया था उसको हम धो लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, और वो इसी में हम ऐड कर देंगे। पानी में और इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको हम करीब 8 मिनट तक पकाएंगे। तो मैं इसका टाइमिंग 8 से चलो 10 मिनट कर देता हूँ, 10 मिनट का हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारी बेसन की मिर्च तैयार हो जाएगी बनके। तो दोस्तों हमारे 10 मिनट काफ़ी समय पहले समाप्त हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी मिर्च। दोस्तों आज हमने जो मिर्च बनाई है बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाई है, इसमें किसी भी तरह का लहसुन और प्याज नहीं यूज किया है। इसका नाम भी आज हम दे देंगे सात्विक मिर्च। आप देखिए मैं बीच बीच में से आपको दिखा रहा हूँ कि कहीं भी कोई चिपकने का जलने का नामो निशान नहीं है, एकदम परफेक्शन से बनी है। तो मैं आज का वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ, देख सकते हैं इसको अच्छे से।